नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी साल का अंतिम, यानी 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण। और ये लगने जा रहा है साथियों 28 अक्टूबर को, यानी कार्तिक मास, और मेष राशि पर लगेगा। इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि किस किस राशि के लिए ये शुभ है और किस किस राशि के लिए अशुभ है, यानी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सूतक काल मंदिरों के लिए कैसा रहेगा, कितने बजे तक इसका सूतक काल है, कैसे प्रभाव डालेगा ये चंद्र ग्रहण आपकी 12 राशियों पर, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, बुजुर्ग और बच्चों के लिए कैसा रहने वाला है, जो लोग रुग्ण अवस्था में हैं उनके लिए कैसे रहने वाला है, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि चंद्र ग्रहण का मंदिरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जो है बाह्य देशों के लिए किस तरीके से और कैसे प्रभाव रहेगा, भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा, यानी संपूर्ण भारतवर्ष में जो है ये चंद्र ग्रहण दिखेगा और चंद्र ग्रहण के दौरान हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या दान पुण्य जप इत्यादि करना चाहिए, यानी संपूर्ण तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप लोग जो है इसको पूरी वीडियो को देखिएगा, बाह्य देशों के लिए और हमारे भारतवर्ष के लिए किस तरीके से ये चंद्र ग्रहण अपना प्रभाव छोड़ेगा और कब तक इसका प्रभाव रहेगा। तो साथियों, ये जो विशेष प्रोग्राम है ये चंद्र ग्रहण पर आधारित है, यानी 28 अक्टूबर कार्तिक मास में ये जो चंद्र ग्रहण है ये लगने जा रहा है और चंद्र ग्रहण का जो विशेष प्रभाव है वो मेष राशि पर रहेगा। मेष राशि पर ये चंद्र ग्रहण लग रहा है तो मेष राशि के जातकों को विशेष सावधान रहना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है साथियों, ये हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में है और भारतवर्ष में जो है अलग अलग शहरों में, जैसे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, गोवा इत्यादि, मतलब इन शहरों में ये जो ग्रहण का टाइमिंग है ये थोड़ा बहुत आगे, एक दो मिनट आगे पीछे रहेगा। और चंद्र ग्रहण का जो टाइमिंग है साथियों वो है 1:05 से ये शुरू होगा 28 तारीख को और ये जो है 2:24 तक रहेगा। और ग्रहण का जो टोटल टाइमिंग है वो रहेगा साथियों, यानी 1:18 तक ये ग्रहण रहेगा। तो मतलब जो है अन्य देशों के लिए जो है, जैसे भारत देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, यानी जैसे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता इत्यादि शहरों में जो है 1 मिनट का प्रभाव आगे पीछे रह सकता है, लेकिन यानी प्रभाव इस ग्रहण का पूरे भारतवर्ष में रहेगा। तो इसका जो प्रभाव है साथियों, इसका मैं पहली बात आपको ये बता दूं कि गर्भवती स्त्रियों को इस काल पे ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए और जो है घर में हो सके तो मानसिक जाप, यानी चंद्रमा का जाप जरूर करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप यदि करेंगे तो बच्चे पर भी कोई असर नहीं होगा और गर्भवती माताओं के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि यदि वो मानसिक जाप करते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा। रात्रि के टाइम पर साथियों ये ग्रहण लग रहा है, यानी बच्चों को विशेष सावधान रहना है, बुजुर्गों को विशेष सावधान रहना है और जो व्यक्ति रुग्ण हैं उनको विशेष सावधान रहना होगा। यानी रोगी व्यक्तियों को क्या होता है कि ग्रहण काल के दौरान, यानी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, जो भी ऐसे मतलब तामसिक वार होते हैं, या मतलब जो है जैसे ग्रहण के दौरान या अमावस्या के दौरान जो भी ऐसे करड़े वार होते हैं, उन दिनों में सावधान रहना होता है। और वही स्थिति जो है चंद्र ग्रहण के दिन है, तो चंद्र ग्रहण के दिन क्या है, आपको विशेष सावधान रहना होगा कि अपनी शारीरिक युति, जिन जो व्यक्ति रुग्ण है, जो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से परेशान है, जो व्यक्ति बीमार हैं, उनको जो है मन में मानसिक जाप सोम सोमाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी जो युति है, आपका जो शरीर है, वो ग्रहण के प्रभाव में ना आए और आपका स्वास्थ्य सही रहे। वो जो सूतक काल है ये 4:05 PM से शुरू हो जाएगा, यानी दोपहर की, यानी शाम के टाइम जो है 4:05 पर इसका जो सूतक काल है वो शुरू हो जाएगा, यानी ग्रहण किए जो है 9 घंटा पहले से, 10 घंटा पहले से
ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है। तो इस दौरान आप जो है मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर आप क्या नहीं कर सकते हैं ग्रहण के दौरान जब सूतक काल लगता है, स्नान, दान, जप, हवन और मूर्ति का स्पर्श, यानी आपका जो पूजा स्थान होता है वहां पर आप ना जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं आपने जो है ग्रहण काल के दौरान जो आपकी जैसे वस्तु है घर में, यानी आप जो है अपने फ्रीजर में तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ में जो पेय पदार्थ है जो लिक्विड से संबंधित आपके घर में कोई चीज पहले से है उसमें भी आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं, तो उससे उन चीजों पर प्रभाव नहीं रहेगा। तो ग्रहण के दौरान, सूतक काल के दौरान आपने ये करना है। वहीं मैं आपको साथियों बता दूं कि मंदिर के जो कपाट है सूतक काल के दौरान यानी 4:05 पर कपाट बंद हो जाएंगे, यानी मंदिरों के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे और आप लोग जो है मंदिरों में जो पूजा अर्चन है वो उस टाइम पर नहीं होगा। तो यानी साथियों ये रात्रि का टाइम है, तो जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है तो उस दौरान आपको जो है अपने घर में यानी गंगा जल मिश्रित और सेंधा नमक मिश्रित जल से अपने घर में पोछा जरूर लगाएं, या फिर जो है गंगा जल को गायत्री मंत्र से 11 बार मंत्रित करके अपने घर में जो है आपने छिट देना है, जिससे जो है आपके घर में पवित्रता बनी रहे। और उसके बाद आपने अपने पूजा स्थान की सैन सफाई करके यानी रात्रि के कितने बजे, 2:24 के बाद का काम है ये, तो उसके बाद आपने जो है अपनी मूर्तियों को स्नान ध्यान करा करके उनका जो है भोग लगा करके तो आप उसके बाद आप जो है स्वच्छ होंगे और उसके बाद आप कुछ ले सकते हैं। तो ये स्थिति रहेगी साथियों। तो मंदिर के जो है ग्रहण काल के दौरान मंदिर में जो है प्रवेश वर्जित होता है, मंदिर में मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित होता है। तो इस तरीके से जो है आप लोग करेंगे, यानी मैंने आपको बताया कि गर्भवती माताओं को किस तरीके से रहना है, बुजुर्गों को किस तरीके से, बच्चों को किस तरीके से रहना है, और इसके साथ साथ में अपने घर को आपने ठीक किस प्रकार से रखना है। वहीं अब मैं बात कर लूं कि आप ये जो सूतक काल है ये किन किन जगह पे रहेगा, यानी हमारे भारतवर्ष में तो रहेगा लेकिन जो है YouTube में जो वीडियोज होते हैं वो बाहर के लोग भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं यानी नेपाल की, तो नेपाल में भी ये सूतक रहेगा, सूतक काल रहेगा, नेपाल के लोग भी इसको जो है सूतक काल का जो टाइमिंग है उसको जान लें, यानी 1:29 से 2:37 तक जो है घंटा पहले से ये सब आपके लिए भी शुरू हो जाएगा। इंडिया में जो है ये जो सूतक है ये मान्य नहीं होगा, लेकिन वहां के जो लोग हैं इस टाइम पर जो है इसी तरीके से यानी अपना पूजा पाठ और अपना सूतक काल के दौरान ना करें, और जब सूतक काल खत्म होता है तो अपने जो आपका देव स्थान है, मंदिर है, वहां पर या आप जो है शुद्धता से मूर्तियों का स्नान करा करके भोग लगा करके घर में जो है गंगा जल छिट सकते हैं। वहीं मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना में जो है 3:36 से 4:52 तक जो है ये ग्रहण का असर रहेगा। तो जो विधान है वो इसी तरीके से सभी देशों के लिए रहेगा, लेकिन बाह्य देशों में भी जो है ये ग्रहण दिखेगा। टाइम का जो फर्क है साथियों 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ग्रहण ये संपूर्ण भारतवर्ष में है और बाह्य देशों के लिए भी है, केवल जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है सूतक मान्य नहीं होगा, लेकिन नियम जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वहीं साथियों मैं अब बात करूं तो आपकी 12 राशियों पर किस तरीके से ये प्रभाव करेगा। तो वहीं आप कुंडली देख रहे होंगे कि कुंडली में जो है ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो जो है मेष राशि की जो चंद्रमा है और गुरु और राहु, यानी गुरु चंडाल योग यहाँ पर बन रहा है और साथ में जो है चंद्रमा है और मेष राशि पर ये ग्रहण लग रहा है, तो मेष राशि के लोग जो है विशेष सतर्क रहें। वहीं आपका जो है तुला राशि में जो है सूर्य, मंगल और बुध केतु विराजमान है, तो यानी दो भागों में जो है ग्रह विभाजित हैं, और दो भागों में ग्रह विभाजित है तो हमारे जो है बाह्य देशों में जो है जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का जो प्रभाव है इसमें दो भागों में दुनिया विभक्त होगी, दो भागों में जो है दुनिया के लोग चल रहे हैं, यानी एक जो है बुराई की तरफ है तो एक अच्छाई की तरफ है। तो यानी हमेशा एक ध्यान रखिएगा साथियों कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हमेशा हार होती है, यानी भले ही सच्चाई को जीतने में टाइम जरूर लगता है लेकिन लास्ट में अच्छाई की ही जीत होती है। तो साथियों इसमें जो है
जो हीरे का काम है, जो स्वर्ण का काम है, जो मध्यस्थता का काम है, वो हमारा भारतवर्ष करेगा। और भारतवर्ष जो है अग्रणी भूमिका निभाएगा। और भारतवर्ष जो है विश्व गुरु है, ऐसे ही नहीं कहते हैं। और भारतवर्ष की भूमिका इसमें अहम रहेगी। और भारतवर्ष की भूमिका से ही इन देशों में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध विराम भी होगा। तो ये जो युद्ध है साथियों, ये जो ग्रहण है, ये सही नहीं है इन देशों के लिए। इनमें जो है आपसी जो मध्यस्थता है वो भारतवर्ष करेगा, लेकिन इन देशों में इनके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है विचलित हैं, और कहीं ना कहीं आपस में जो है टकराव की स्थिति ज्यादा बढ़ेगी, यानी वैमनस्य बढ़ेगा, और आगे जो है युद्ध की भयानकता भी सामने आ सकती है। तो इस तरीके से जो है जो युद्ध है उसको जो है विश्व युद्ध छिड़ने की भी संभावना रहेगी, लेकिन भारतवर्ष इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा। और ये जो युद्ध है ये समापन की तरफ होगा। तो आगे इस तरीके से जो है ये ग्रहण का प्रभाव जो है इन देशों में रहेगा। अब मैं बात कर लूं वहीं कि आपकी 12 राशियों पर जो है किस तरीके से प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों को विशेष सतर्क रहना होगा। मेष राशि के जातकों के लिए ये जो ग्रहण है कष्टदायी है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, सिर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पृष्ठभाग से संबंधित दिक्कत हो सकती है, शरीर में यदि एलर्जी है और कोई व्यक्ति रुग्ण है तो उसको ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए मेष राशि के जातकों को सतर्क रहना होगा। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना होगा और शिवलिंग पे जलाभिषेक जरूर करना होगा। ये 15 दिन तक का जो टाइम पीरियड है ये मेष राशि के जातकों के लिए कष्टदायी है, इसलिए मेष राशि के जो जातक हैं वो विशेषकर जो है सतर्क रहें। वहीं अब मैं बात कर लेता हूं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो ग्रहण का समय है ये थोड़ा सा सामान्य रहेगा। इन लोगों को जो है स्वास्थ्य में जो विकार है वो सही होने की स्थिति रहेगी, और साथ साथ में इन लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो भी सही होगी, और यदि कोई कार्य नहीं बन रहा है तो कार्य बनने की स्थिति में भी आएगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी इस ग्रहण का मिला जुला असर रहेगा। स्वास्थ्य में जो है थोड़ा सा परेशानी हल्की सी हो सकती है, लेकिन इनका स्वास्थ्य सही रहेगा, और इनको जो है जाप करने से विशेष प्रभाव पड़ेगा। और ये लोग जो है इनकी जो इच्छाएं थी, जो इच्छाएं दबी पड़ी थी, जो काम हो नहीं रहा था वो काम भी होगा। तो मिथुन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, मिथुन राशि के जातकों को भी ओम सोम सोमाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए और दान जरूर करें। सभी चीजों का दान मिथुन राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए, और गाय को चारा देना चाहिए और चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो ग्रहण का समय है वो सही नहीं है, यानी इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, इनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा सा परेशानी में आ सकती है। ये किन लोगों के लिए है, जो जाप नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, ये पहले से रुग्ण हैं। कर्क राशि के जो जातक हैं वो परेशान रह सकते हैं, इनका जो कार्य है वो खराब हो सकता है, कहीं कार्य बनने की स्थिति है वो कार्य भी बैक हो सकता है, यानी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ हो सकती है, शरीर यदि रुग्ण है तो और परेशानी आ सकती है। इसलिए इन लोगों को जो है सफेद चीजों का दान, यानी आटा चावल चीनी और सफेद चीज जितनी भी सफेद कपड़ा, ये जो है किसी गरीब व्यक्ति को दान जरूर करें या साधु संतों को दान जरूर करें। तो कर्क राशि के लिए भी दान पुण्य करने से शुभ रहेगा। वहीं मैं बात कर लेता हूं यानी आपके जो है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी जो ग्रहण का जो समय है ये 15 दिन के अंदर जो है शुभ रहेगा, लेकिन सिंह राशि के जातकों को जो है सोम सोमाय नमः का जाप जरूर करना है, शिवलिंग पे जो है दुग्ध मिश्रित जल से जो है अभिषेक जरूर करना है, तो इनकी तमाम जो इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। वहीं बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए जो है ग्रहण का जो समय है वो शुभ है। ग्रहण के दौरान यानी ग्रहण के बाद यानी आप मानसिक जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि के जो जातक हैं इस ग्रहण से विशेष लाभ लेंगे और स्वास्थ्य भी इनका अच्छा रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं यानी आगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए जो समय है वो शुभ है, यानी शुभ रहेगा, लेकिन आगे जो आने वाला समय है आप लोगों के लिए 15 दिन के अंदर जो है शुभ रहेगा, लेकिन आपने जो है सफेद चीजों का दान आपने जरूर करना है और साथ साथ में अपने गुरुजनों का सम्मान करना है, गुरुजनों की सेवा करनी है, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी है। तो तुला राशि के वारे न्यारे हैं बहुत अच्छा रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल ग्रह, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा सामान्य रहेगा, कष्ट मिल सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पृष्ठभाग से संबंधित पैरों से संबंधित दिक्कत आ सकती है। ये दिक्कत ना आए इसलिए आप भी जो है सफेद चीजों का दान करें, जितनी भी सफेद चीजें होती है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
वहीं बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए जो ग्रहण का समय है वो शुभ है। इस टाइम पर आप जो है सोम सोमवारी नमः का जाप करेंगे, सफेद चीजों को जो है दान के लिए एकत्रित करके रख देंगे और दूसरे दिन जो है दान करेंगे, तो धनुराशि के जातकों की मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और इनका जो काम कभी से बंद पड़ा हुआ था, कभी से कार्य नहीं हो रहा था और मानसिक स्थिति गड़बड़ हो रही थी, शारीरिक दिक्कत हो रही थी, वो सही होगी। वहीं बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों को कोई गिफ्ट मिल सकता है, इनकी जो शरीर में कोई परेशानी चल रही थी उसका सफाया होगा और आगे आने वाले समय में इनको जो है 15 दिन के अंदर अंदर कुछ लाभ जरूर मिलेगा। यानी इनका कोई काम नहीं बन रहा था तो काम भी बनेगा, स्वास्थ्य गड़बड़ था तो स्वास्थ्य ठीक होगा, यानी माता पिता से सम्मान मिलेगा, बड़े लोग जो है आपको आशीर्वाद देंगे और आपको कुछ शुभ समाचार भी मिल सकता है, जो कार्य नहीं हो रहा था वो भी होगा। वहीं बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी जो है ग्रहण का जो समय है उस टाइम पर जो है सोम सोमवारी नमः का जाप करेंगे तो इनकी जो स्थिति है वो अच्छी होगी। इनको धन मान सम्मान प्रतिष्ठा पद और इनकी जो वाणी है वो सब शुभ रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के शुभ है। इनको दान करना है सफेद चीनी और चावल, किसी जरूरतमंद को दान जरूर दें और दूध जरूर दान करें। वहीं बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए जो ग्रहण का समय है वो जो है शुभ नहीं है। इन लोगों को सोम सोमवारी नमः का जाप जरूर करना चाहिए। मानसिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है, शरीर में नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट आदि संबंधित विकार हो सकते हैं, यानी वाणी विकार हो सकता है, कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है जो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है। तो इन लोगों को जो है सफेद चीजों का दान जरूर करना चाहिए, गाय को चारा जरूर दान देना चाहिए, गुड़ रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए और सोम सोमाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य जरूर चढ़ाना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो 15 दिन तक साथियों आप लोगों को विशेष सतर्क रहना होगा, जिससे जो आपकी राशि पर ये ग्रहण का प्रभाव है वो नहीं होगा। तो हमारे भारतवर्ष में जो चंद्र ग्रहण का जो समय है ये 28 तारीख का, वो जो है सभी लोगों के लिए शुभ रहे, आप लोगों की मनोइच्छा पूरी हो और आप लोग जो है जाप जरूर करें, दान जरूर करें, पुण्य जरूर अर्जित करें, तो आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी होगी। कैसी लगी साथियों आपको वीडियो, चैनल को लाइक करेगा, शेयर जरूर करेगा और बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे। We'll be right back.